स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का MCQ प्रोवाइड कीजिए। तो दोस्तों आज शाम या फिर कल सुबह तक जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबका MCQ वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हालांकि मैं टेलीग्राम पर जो PDF देता हूँ उसमें आंसर की नहीं रहती है। आंसर की इसलिए नहीं रहती कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे कितना आता है और मैं कितना कर ले रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आकर के वीडियो में कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे मतलब ये होगा। इसे वीडियो में देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, 10 ओम के 10 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें गलती ये करेंगे कि हाँ समांतर क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोध है तो 1/R=1/R1+1/R2 करके जोड़ देंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। 1/R1+1/R2 करके जोड़ेंगे लेकिन ये गलत है। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 ओम के 10 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब 10 ओम के ये नहीं कह रहा है कि 10 ओम के और 10 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये कह रहा है कि 10 ओम के 10 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 1/R=1 हो जाएगा 1/R1+1/R2.1/R10, ठीक है। अभी आपको मालूम चल गया। अब 1/R करेंगे, आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, 1/10+1/10.1/10। अब देखिए हर तो बराबर है, सब में 10 है और ऊपर 10 टाइम्स है, मतलब तो ये 10/10 हो जाएगा। 1/R का मान 10/10 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और R का मान जैसे मान लीजिए कि 1/R का मान 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसको उल्टा करते हैं, R का मान निकालते हैं, 2/1 मतलब 1/2 होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 1 आया है तो 1/1 होगा, तो R का मान भी निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 ओम, ठीक है। देखिए इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिएगा। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन तो पेपर में आता है लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑप्शन आ गया यहाँ पे, मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आ गए, मान लीजिए ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए कि कोई पूछ दिया कुछ ईजी क्वेश्चन ही पूछ दिया, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो अगर मान लीजिए पहले पर जूल रहेगा तो जूल पर मार देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नहीं देखेंगे, कहीं कहीं रहता है नीचे ऐसे ऑप्शन रहेंगे ए व बी दोनों, तो इनमें से कोई मतलब इसके एक ही के 2 ऑप्शन होते हैं, तो चौथे पर आता है बी व सी दोनों या फिर ए व बी दोनों, तो स्टूडेंट क्या करते हैं पहले पे ही मार देते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं हाँ हमने तो सही किया। लेकिन आप जल्दीबाजी ना कीजिएगा, पेपर जबकि आपका आने वाला है तो आप जल्दीबाजी ना कीजिएगा, आसानी से और आराम से क्वेश्चन को कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 ओम के 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये पहले के जैसा है लेकिन बस इसमें श्रेणी क्रम दे दिया है, ठीक है। तो 5 आप जानते हैं कि 5 ओम के अगर 5 ओम और 5 ओम मतलब 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, जी बस ऐड हो जाता है। तो ये 5 ओम के 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मतलब 5 बार, तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5×5=25। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप माइंडली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको आपको रफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप इसको माइंडली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देते हैं पेपर में कि ऐसे कि मान लीजिए ट्रिकी क्वेश्चन है और इतने ईजी तो क्वेश्चन देंगे नहीं, हालांकि ईजी है लेकिन थोड़ी ट्रिकी रहते हैं, ट्रिकी टाइप के, तो आपको क्वेश्चन को अलग पलट के दिया जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। इससे जो किरचॉफ का नियम है इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, इसमें से एक तो पक्का है आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए आवेश संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और देखिए इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इससे एक और क्वेश्चन क्या बनता है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, संधि का नियम, ये आप याद रखिएगा, संधि का नियम। अब देखिए मान लीजिए कि आप ये याद कर लिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर कार्य करता है आधारित है, अब ये नहीं याद पाए कि इसको पहले नियम को क्या कहते हैं, संधि का नियम, कहीं यही एग्जाम में पूछ दे कि किरचॉफ के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो इसको
संधि का नियम से और जाना जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, अब किरचॉफ का प्रथम नियम जो है, ये किरचॉफ के जितने भी नियम है, प्रथम द्वितीय मतलब कोई भी नियम, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, मतलब ज़्यादातर चांसेज हैं 90% की बनेंगे बनेंगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचना पर आधारित है, तो आवेश संरचना पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो संधि के नाम से, मतलब दूसरा इसका रूप है संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरचना पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा संरचना पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए ये भी पूछ सकता है किरचॉफ का द्वितीय नियम और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको वोल्टता के नियम, वोल्टता का नियम, इसको इसका दूसरा नाम है मतलब वोल्टता का नियम। ये भी पूछ सकता है किरचॉफ का वोल्टता का नियम किस संरचना पर आधारित है, तो आपको जवाब देना होगा कि ऊर्जा संरचना पर, मतलब इसको कभी कभी द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, वोल्टता के नियम से भी आपको प्रश्न कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है, तो विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है, आपको सबको मालूम होगा विद्युत धारा का SI यूनिट एम्पियर, काफ़ी इजी है। देखिए इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, जितने मात्रक विमाएँ ये सब है इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इसलिए कि मात्रक विमाएँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक बार मैं आपको और बता दूँगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्री PDF विदाउट आंसर की, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर टेलीग्राम से आप इजीली अपना ये PDF ले सकते हैं, और PDF के थ्रू पढ़ेंगे आप अपने से कोशिश करेंगे कि हम कितना कर पाते हैं इसमें, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ऐसे मान लीजिए कि वीडियो तो देख ले रहे हैं लेकिन अगर आप भूल जाएं तो PDF रहेगा, तो PDF के थ्रू, और मैंने सारे सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट के अभी तक के PDF चैप्टर वाइज चैप्टर है कई सब्जेक्ट के, मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट के PDF है, और काफ़ी सारे मैथमेटिक्स, जनरल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सारे सब्जेक्ट के मैंने वहाँ पर MCQ अपलोड कर दिए, वहाँ से आप सिंपली जा करके देख सकते हैं। और जो भी अगर आपको और किसी चीज़ का MCQ का PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कीजिए प्राइवेट मैसेज, वहाँ से भी आपको मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सातवां क्वेश्चन क्या है, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मतलब विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अमीटर, इसको याद रखिएगा अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज को किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी वोल्टमीटर। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट बना रहेगा सब जानेंगे, तो मान लीजिए कौन आ गया ये तो हम नहीं जानते हैं, यही आ गया कि ऊर्जा मीटर को मतलब किस मापक यंत्र द्वारा माप, मतलब कुछ भी आ सकता है अदरवाइज। तो देखिए अमीटर जो है, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया कि विद्युत धारा इससे मापा जाता है, ठीक है, और जो आगे का है आपका वाटमीटर, तो वैद्युत शक्ति को मापने के लिए वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वैद्युत शक्ति को। और डी है देखिए ये ऊर्जा मीटर, तो इसको वैद्युत ऊर्जा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऊर्जा मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानेंगे तो इसमें से कोई भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पहला ही आएगा कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है, या फिर दूसरा आएगा कि वोल्टेज को किस मापने के यंत्र द्वारा मापा, इसमें से कोई भी आ सकता है, तो सब जानेंगे। जो तीसरा था मैंने एक बार और मैं बता दूँ आपको, जो तीसरा था तो उसको वैद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग वैद्युत शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, और जो चौथा है ऊर्जा मीटर, इसको वैद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत शक्ति की व्यय की दर को क्या कहते हैं, तो इसका सही क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन सी वैद्युत शक्ति ही कहते हैं। अब देखिए इसको वैद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर, इसका इंग्लिश रूप हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति की व्यय की दर को वैद्युत शक्ति ही कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ही कहते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि उसका ऑप्शन उसी टाइप का होता है, लेकिन आप सोचेंगे कि वो नहीं होगा, दूसरे पर आप टिक करके चले जाएंगे, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप, कॉन्सेप्ट बनाए रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वैद्युत शक्ति का मात्रक है, अब देखिए वैद्युत शक्ति क्या, आपको मालूम होगा पी पावर मतलब कार्य बटे समय होता है, ठीक है, तो कार्य क्या हो जाएगा जूल, इसका मात्रक हो जाएगा जूल, और इसका प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही तो हम लोग वाट कहते हैं, तो इसका दो ऑप्शन होगा जूल प्रति सेकंड और वाट, ठीक है, तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है, जूल प्रति सेकंड सी में है और बी में वाट है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इन बी व सी दोनों देख लीजिएगा। ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी दोनों ऑप्शन आते हैं, तो आप ध्यान से, इसलिए कि मान लीजिए कहीं जूल दिखा तो आप क्या कीजिए, पहले जूल पे
टिक कर दिए, मान लीजिए जूल पर चेंज दिया, जूल पर टिक कर दिया, फिर वाट दिखा, वाट पर टिक कर दिए और पता चला कि आप नीचे देखे ही नहीं, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन होगा ए व बी दोनों, मतलब दोनों कभी कभी ऑप्शन में दो चीज़ें रहती हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किलो वाट हावर, मतलब ये 1 किलो वाट हावर में कितने जूल होते हैं। देखिए इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बी वसी दोनों। अब कैसे होगा, देखिए 3.6 × 10⁶ होता है, ठीक है, जो सबको मालूम है। तो इसमें देखिए जो सी ऑप्शन है इसमें क्या किया है, 3.6 जो है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर से घात एक कम कर दिया, ठीक है, तो ऑप्शन इसका दोनों हो जाएगा। देख लीजिए आप केयरफुली देखिएगा, जो भी आंसर में आप टिक करने जाइएगा पेपर में तो आप केयरफुली आंसर को देखिएगा कौन सा टिक हो रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो रहा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम किसके लिए सत्य है। देखिए इसको भी आप थोड़े इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा कि ओम का नियम, ओम से नियम से जितने भी हैं, मतलब ओम का नियम ही पूछ दिया कि उसका फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला R=V/I होता है, इसका मात्रक पूछ दिया, इसका विमा पूछ दिया, मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो ओम के नियम जो भी है, ओम के नियम इस टॉपिक को ही आप मतलब कवर अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के मतलब दृष्टि से रखिएगा। अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओम का नियम किसके लिए सत्य है, तो केवल धात्विक चालकों के लिए, ठीक है, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वैद्युत प्रतिरोध की विमा है, वैद्युत प्रतिरोध की विमा मतलब आर की में पीछे रहा है, तो R=V/I होता है, ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ML²T-3A-2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रतिरोधकता का मात्रक है। अब देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, आपको मालूम होगा R=क्या होता है, ρL/A, ठीक है, अब यहाँ से आपको रो का मान निकालेंगे, तो रो का मान निकालेंगे तो RA/L हो जाएगा, ठीक है, तो R का होगा प्रतिरोध मतलब ओम हो जाएगा, A का मीटर स्क्वायर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L का मीटर, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, ओम मीटर देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते रहिएगा और फार्मूले को भी याद करते रहिएगा, इसलिए कई फार्मूले भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, R=ρL/A, इसको आप याद रखिएगा R=ρL/A। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान होती है। देखिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में कौन सी राशि समान होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वैद्युत धारा समान होती है। जब भी आपके मतलब श्रेणी क्रम में रहते हैं ना जब भी, तो इसमें वैद्युत धारा जो होती है I मतलब ये समान होती है, और जब समांतर श्रेणी क्रम में, जब समांतर क्रम में होते हैं तो विभव इसका समान होता है, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में कौन सी राशि समान होती है। देखिए मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन भी आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वैद्युत विभवांतर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसको भी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको केयरफुली देखिएगा कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, हो सके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो और आप क्वेश्चन को इधर उधर आंसर दे देते, ऐसा ना हो दोस्तों, इसलिए कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आप जितना भी पढ़ रहे हैं सब बेकार चला जाएगा, आप आसानी से और आराम से, बहुत समय रहता है मतलब पेपर में बहुत ज़्यादा समय है, आप आराम से इत्मीनान से पेपर दे सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर VOM किसका मात्रक है। सबसे पहले हम VOM बता दें, VOM मतलब वोल्ट प्रति ओम मीटर, वोल्ट प्रति ओम मीटर, ठीक है, इसका VOM का होता है वोल्ट प्रति ओम मीटर, तो मल्टीमीटर इसी को कहते हैं, वोल्ट प्रति ओम मीटर किसका मापक यंत्र है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बी व सी दोनों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक ही सेम मतलब पार्ट हैं, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी शून्य होता है, σI=0। ये आपको मालूम होगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बंद पास और खुले पास वाले परिपथ में या फिर समस्त धारा किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दे रहा हूँ, देखिए अब शायद क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था ये, सॉरी देखिए लास्ट क्वेश्चन था, अब मैं आपसे एक कमेंट के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं किसको किसको इसका आंसर आता है। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा किसकी विमा ML² किसकी विमा एम
एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होती है। तो इसका अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किसकी विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होती है। इसकी अगर आपको मालूम होगा आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसके साथ अगर आपको टेलीग्राम अपने हम तक ज्वाइन किया हमारे टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए कि वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के थ्रू हर सब्जेक्ट का पीडीएफ एमसीक्यू मिलता है, एमसीक्यू का पीडीएफ मिलता है। तो टेलीग्राम पर हमारे आप ज़रूर ज्वाइन हो जाए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए, उससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एमसीक्यू या फिर कोई दिक्कत आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।